हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपके घर में बाथरूम या टॉयलेट के अंदर जो विंडो रहती है, विंडो के अंदर आप कांच लगाते हो, तो कांच की जगह कभी कभी क्या कबूतर रहे या फिर आप साफ सफाई करते टाइम आपके निकालते टाइम या फूट जाता है, तो उसकी जगह आप प्लास्टिक का जो कांच आता है उसको भी इस्तेमाल में ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास प्लास्टिक का, जिसको एक्रेलिक शीट बोलते हैं, ये भी अलग अलग तरह की, अलग अलग वेराइटी की, अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग कलर की आपको यहाँ पर ये आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 4 mm की मेरे पास ये प्लास्टिक की एक्रेलिक सीट है। इसको कटिंग करके और जो बाथरूम या टॉयलेट जो विंडो रहती है उसका कटिंग करके उस माप का और विंडो बारी के अंदर मैं एक सीट को लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कांच, ये तो कांच है, ये 4 mm का है, तो कांच लाते हो आप तो कांच फूट भी जाता है कभी कभी या टूट भी जाता है, तो उसकी जगह आप यहाँ पर ये वाला सीट का इस्तेमाल में ले सकते हो। ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है, ना तो ख़राब होगा, ना तो ये सड़ेगा, ना तो ये टूटेगा। ये प्लास्टिक की एक्रेलिक सीट है, इसमें आपको 4 mm, 2 mm, 3 mm, 16 mm, 15 mm अलग अलग तरह के मोटाई इसकी रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं इसको विंडो जो बाथरूम की है उसके हिसाब से यहाँ पर उसका मेजरमेंट आपको लेके और उसके बाद आपको इसको कटिंग कर लेना है। ये 4x8 की पूरी सीट आती है, तो उसमें से अगर आपको टुकड़ा चाहिए तो आपको टुकड़ा भी ये आपको बाजार में मिल जाएगा, हार्डवेयर वाले की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। या फिर जो फोर व्हीलर जो आते हैं, फोर व्हीलर का जो काम करते हैं, फोर व्हीलर के जो कांच रिप्लेस करते हैं, उनकी दुकान पर भी आपको आसानी से ये वाला कांच, आपको ये प्लास्टिक की एक्रेलिक सीट मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने ये एक कटिंग कर लिया हूँ, ये एक हो गया पीस। इसी तरीके से 5 पीस यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँगा, तो क्योंकि जो विंडो की साइज़ है वो 1.5x1.5 है विंडो की साइज, नहीं 2x1.5 की साइज है विंडो की, तो उसके अंदर 5 पीस यानी एक्रेलिक सीट कांच के टुकड़े लगेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह पहले सबसे पहले आपको कटिंग कर लेना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद कटिंग करने से पहले आपको ये वाला निकालना नहीं है, इसके ऊपर जो ये कागज़ का एक के ऊपर सीट के ऊपर कवर लगा हुआ है, और जो दूसरा जो सीट यहाँ पर जो SP रेड कलर का, जो रेड कलर से लिखा हुआ है, इसके अंदर प्लास्टिक का ऊपर से कवर चढ़ा हुआ है, और जो मैं कटिंग कर रहा हूँ उसके ऊपर कागज़ का कवर चढ़ा हुआ है। तो इसको आपको क्या करना है, पहले कटिंग कर लेना है, कटिंग वटिंग करने के बाद फिर आखिरी में एकदम ये कागज़ और ये प्लास्टिक की जो कवर है इसको बाद में निकालना नहीं है। तो अगर आप पहले निकालोगे तो फिर स्क्रैच पड़ जाएगी इसके ऊपर, तो जल्दी स्क्रैच भी नहीं पड़ता ऐसे तो, लेकिन ये कटिंग करने में स्क्रैच पड़ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कटिंग कर लूँगा, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कटिंग कर लिया हूँ। अब कटिंग करने के बाद यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से घिसाई कर लेना है चारों ओर से, इसके बाद जो भी इसके धार वार वो हो स्मूथ हो जाए, ताकि हाथ में आपको लगे नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये छोटे पीस भी मैं कटिंग कर लिया हूँ। अब कटिंग करने के बाद यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके कागज़ वागज इसके ऊपर प्लास्टिक जो भी है कुछ इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको अपने बाथरूम की विंडो के अंदर इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्लास्टिक के कांच है, न ये टूटेंगे, न मुड़ेंगे, न ख़राब होंगे, लॉन्ग टाइम तक ये चलने वाले का एक वो ग्लास है प्लास्टिक के आते हैं, इसको एक्रेलिक सीट बोलते हैं। और अगर इसकी जगह आप कांच इस्तेमाल करोगे तो कांच का कभी कबूतर वो विंडो के ऊपर बैठता है तो कभी वो भी टूट जाता है, कभी आप साफ सफाई करते हो तब भी टूट जाता है निकालते टाइम, या हवा के झोंके से भी अगर नीचे गिर गया तो नीचे बाहर रोड पर गाड़ी वाड़ी जाती तो उसके ऊपर भी गिरा, किसी को वो लग गया सर्वर में। तो इसीलिए यहाँ पर प्लास्टिक का कांच अगर आप इस्तेमाल में लेते हो तो काफ़ी बढ़िया है, क्वालिटी का आता है और थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको कांच से, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है। तो यहाँ पर एक एक करके मैं इस विंडो के अंदर फिट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अब हवा से भी अगर बाहर नीचे गिरेगा तब भी किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं देगा, अगर कांच उसकी जगह नीचे गिरता है तो उसमें क्या तकलीफ किसी को भी लग जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, आसानी से आप इसको इंस्टॉल आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इसकी जगह मेरे एक दूसरा सीट मेरे पास है, उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो जो सीट है उसको PVC सीट बोलते हैं, यानी उसके एक साइड से स्मूथ रहता है और दूसरी साइड से दाने दाने निकले हुए रहते हैं। और ये जो टुकड़े आप देख सकते हो, ये एकदम आखिरी ऊपर वाली, यानी एकदम आखिरी ऊपर लगेगी वाले टुकड़े पीस, क्योंकि ऊपर की साइड में पूरा कांच नहीं जाता है, यानी पूरा ग्लास भी नहीं जाता है और पूरा ये जो एक्रेलिक शीट है ये भी नहीं जाएगी। इसके लिए यहाँ पर आपको 3 इंच 2 इंच का पट्टा यहाँ पर आपको ऊपर डालना पड़ेगा, एकदम आखिरी वाले उसके ऊपर यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से फिट करना है आपको। आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।